हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारत टेक टिप्स को। फ्रेंड्स, फिर से मैं विकास कुमार आपके लिए नया वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूं। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ना फ्रेंड्स आज बताऊंगा क्रोम ब्राउजर का एक ऐसी सेटिंग। ये सेटिंग आपका मोबाइल पे कर देने के बाद आप बिल्कुल अपना मोबाइल को सुरक्षित कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर ये सेटिंग को आप ऑन नहीं किया तो फ्रेंड्स आपका मोबाइल हैक होने का साथ साथ आपका बैंक अकाउंट तो खाली हो सकता है। फ्रेंड्स ये कैसे हो सकता है? फ्रेंड्स अगर आप मोबाइल पे फोन पे गूगल पे चलाते हो तो ये अकाउंट हैक करके हैकर ने आपका बैंक अकाउंट तक खाली कर सकते हैं। आपका पासवर्ड को हैक करके ये आपका मोबाइल तक हैक कर सकते हैं। इससे बचने के लिए इस सेटिंग को ध्यान से देखना है और फिर इसको ऑन कर लेना है। सिर्फ एक सेटिंग के बारे में बताऊंगा, तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। आप देख सकते हो मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर चुका हूँ। फ्रेंड्स क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद राइट साइड कॉर्नर पे आपको थ्री डॉट मिल जाएगा। चलिए इस थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है आपको, तो मैं कर चुका हूँ। क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है, आपको नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। चलिए फ्रेंड्स सेटिंग पे मैं क्लिक कर चुका हूँ। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से नीचे ध्यान से देखना है, तो नीचे जाना है। नीचे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे मैं क्लिक कर चुका हूँ, आप भी क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो आपके सामने एक नया पेज आ चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन सेफ ब्राउजिंग, आप देख सकते हो फ्रेंड्स सेफ ब्राउजिंग, ठीक है, इस सेफ ब्राउजिंग पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरा तो यहाँ एनहांस प्रोटेक्शन पे सेफ है, लेकिन आपका ये स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन पे रहता होगा, डिफॉल्ट स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन पे रहता है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको यहाँ पहला वाला ऑप्शन एनहांस प्रोटेक्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो प्रोटेक्शन, आपका मोबाइल का प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा। ये आपका मोबाइल को कोई भी हैक नहीं कर सकता, आपका पासवर्ड तक सुरक्षित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बैक चलते हैं। बैक आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ मिल जाएगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन, इसका नीचे सेफ्टी चेक का बोल के एक ऑप्शन मिल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ सेफ्टी चेक प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन पे आप तो गया था, अब इसका नीचे जो सेफ्टी चेक पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद मेरा, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ तीन ऑप्शन आ चुका है, इस तीन ऑप्शन पे तीन टिक लग चुका है। इसका मतलब मेरा बिल्कुल सुरक्षित है। आप भी ऐसा ही सेटिंग को ऑन करके आपका मोबाइल को सुरक्षित कर सकते हैं, आपका बैंक अकाउंट तक सुरक्षित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको चेक नाउ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये चेक करके बता देगा ये तीन ऑप्शन अगर सही है तो टिक लगा देगा, नहीं तो आपका ये ऑप्शन को ऑन करना है जो ऑप्शन मैं बताया था। तो फ्रेंड्स चले, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।